नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत लोगों ने फरमाइश की कि मैं एक लेसन बनाऊं जिसमें दिखाऊं कि गाने के कॉर्ड्स आप खुद ब खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस सब्जेक्ट पर मैंने बहुत पहले कुछ लेसन्स बनाए थे, आज कोशिश करूंगा वो टेक्निक्स आपके साथ फिर से शेयर करूं। तो शुरू करने से पहले दो चार बातें आपको समझा दूं। पहली बात तो ये है कि जो भी मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं, जो भी टेक्निक समझाने जा रहा हूं, इसके ज़रिए आप सारे गानों के कॉर्ड्स पकड़ सकेंगे इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और ख़ास करके बॉलीवुड के गानों में इतने वेरिएशन होते हैं। मैंने अभी हाल में कुछ लेसन्स पोस्ट किए थे मेजर स्केल्स पे और माइनर स्केल्स पे, आप लेसन्स को देखें और आप देखेंगे कि कितने तरह तरह के स्केल्स यूज़ किए जाते हैं बॉलीवुड के गानों में। तो उन स्केल्स का अगर आपको नॉलेज हो जाए तो आपको गानों के कॉर्ड्स पकड़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि आपको गाने का जो ट्यून है, गाने के जो नोट्स हैं, वो आपको गिटार पर मैच करने पड़ेंगे, तो आपको सुनना पड़ेगा और आपको गिटार जो है ट्रैक के साथ बजाना पड़ेगा। या अगर आप ट्रैक के साथ ना भी बजाना चाहें या ना बजा पाएँ तो आप गाने को सुनें और याद कर लें और ट्रैक को बंद करके जो है आप फिर गिटार पे बजाएं, लेकिन आपको मोटा मोटी जो नोट्स हैं वो मैच कर लेने पड़ेंगे। तो आज के लेसन में मैं आपको दो गानों के एग्जांपल्स के ज़रिए दिखाऊंगा कि आप गाने का स्केल यानी कि गाने का जो की है वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गाने के कॉर्ड्स आप कैसे पकड़ सकते हैं। और अगर आपको लेसन पसंद आया तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे और भी लेसन पोस्ट करूँ। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं, फिल्म मासूम से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। गाने का जो मुखड़ा है उसकी जो पहली लाइन है उसकी शुरुआत यूं होती है और मुखड़ा जो है यहां पर खत्म होता है। तो ये जो नोट है आपका, इस नोट पर जो है मुखड़ा खत्म हो रहा है, तो ये जो है इस नोट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये अगर आप कर सकें, आप चाहे फोर्थ पे करें चाहे फर्स्ट स्ट्रिंग पे करें, बात एक ही है। अब ये नोट जो है जी है, तो सबसे पहला कदम जो है आपको ये आपको जो नोट है ये आइडेंटिफाई करना है। अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको गाने का जो की है यानी कि जो टोनल सेंटर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वेस्टर्न म्यूजिक में उसको टॉनिक नोट बोलते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में उसको जो पहला स्वर है यानी कि सा बोलते हैं। तो ये जो अभी आपने नोट पकड़ा है, इस नोट को आप पकड़े रहें, ये जो नोट था अभी जी नोट था, ये इस गाने का जो स्केल है उस गाने का ये सा भी हो सकता है यानी कि टॉनिक नोट, ये उस गाने का पा भी हो सकता है यानी कि डोमिनेंट नोट जिसको हम फिफ्थ भी कहते हैं, और ये उस गाने का गा भी हो सकता है शुद्ध या कोमल। अगर शुद्ध गा है तो मेजर थर्ड है, कोमल गा है तो माइनर थर्ड है। तो कैसे पता लगेगा कि ये सा था कि गा था कि पा था? तो इसके लिए आपको गाना सुनना पड़ेगा और गाने के साथ कॉर्ड्स बजाने पड़ेंगे। धीरे धीरे जब आपका स्केल्स का नॉलेज पक्का हो जाएगा और आप गाने की पूरी मेलोडी को बजा पाएंगे तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पता लगाने में कि ये सा था या गा था या पा था। लेकिन मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर गाना बज रहा है या कोई गा रहा है और आपको उसी वक्त जो है उस गाने का होम कॉर्ड यानी कि उसका की पकड़ना है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इसी तरह से सीखा था। जब लोग गाते थे उनके साथ बजाना पड़ता था और हमें नहीं पता है कि उस गाने का टोनल सेंटर क्या है यानी उस गाने का की नोट क्या है, तो हम वहाँ पर उस नोट पर सारे कॉर्ड्स ट्राई करते थे। तो आज के लेसन के लिए मेजर या माइनर कॉर्ड्स ही रखेंगे। और अगर आप इस नोट को साफ पकड़ के चलते हैं तो या तो इस गाने का जो होम कॉर्ड है वो जी मेजर हो सकता है या जी माइनर हो सकता है। अगर इस नोट को पा लेके चलें तो गाने का जो टोनल सेंटर है वो सी मेजर भी हो सकता है, सी माइनर भी हो सकता है। और अगर इसको आप गा लेके चलें, शुद्ध गा लेके चलें, तो ई फ्लैट बजेगा, और अगर इसको कोमल गा लेके चलें तो ई माइनर बजेगा। तो इन छह कॉर्ड्स को आपको जो है गाने के साथ बजाना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और आप देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा गाने के साथ मैच कर रहा है। अगर आपका गिटार जो है उसकी ट्यूनिंग स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में है और गाने का जो ट्रैक है वो भी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पर है, अगर आप साथ में बजा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉर्ड सही कॉर्ड है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जहाँ पर मुखड़ा जिस नोट पर एंड करता है वो सा नहीं है बल्कि पा है। तो गाना है क्या हुआ तेरा वादा, फिल्म हम किससे कम नहीं। अब ये जो नोट है सी, इसको अगर आप सा लेके चलते हैं तो गाने का जो होम कॉर्ड है वो सी मेजर हो जाएगा, इसको अगर आप पा लेके चलें गाने का जो होम कॉर्ड है वो एफ मेजर हो जाएगा। तो आप गाने के साथ दोनों कॉर्ड को बजा के देखें और आप देखें कौन सा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है।
एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जहाँ पर मुखड़े का जो लास्ट नोट है वो ना तो सा है ना तो पा है बल्कि गा है। तो गाना जो है लग जा गले, फिल्म वो कौन थी, तो गाने का जो मुखड़ा है वो यहां खत्म हो रहा है। तो ये जो नोट है इस पर आप सारे मेजर माइनर कॉर्ड्स बजा के देखें, बी मेजर, बी माइनर, ई मेजर, ई माइनर, जी मेजर, ये देखिए, ये आपको सुनने के साथ साथ पता चलेगा कि गाने के साथ मैच कर रहा है। तो जैसा अभी आपने देखा, ये जो मुखड़े का जो लास्ट नोट है ये जरूरी नहीं है कि गाने का टोनल सेंटर हो, ये गाने का टोनल सेंटर यानी सा भी हो सकता है, पा भी हो सकता है और गा भी हो सकता है। आपको तीनों ट्राई करके देखने पड़ेंगे और तब जाके आपको गाने का स्केल पता चलेगा। तो एक बार आप होम कॉर्ड पता लगा लें तो उसके बाद आपको ये तो पता लग गया कि ये मेजर स्केल है कि माइनर स्केल है, लेकिन बाकी के कॉर्ड्स क्या होंगे। तो उसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि जिस नोट पर आप कॉर्ड बजाना चाह रहे हों या कॉर्ड चेंज करना चाह रहे हों, उस नोट पर जो आप कॉर्ड बजाना चाहते हैं उस कॉर्ड में वो नोट होना चाहिए और बाकी के जो नोट्स हैं वो स्केल में होना चाहिए जिस पर वो गाना आधारित है। तो मान लीजिए आप जी मेजर में बजा रहे हों और मान लीजिए जी मेजर डायटोनिक मेजर में बजा रहे हों और नोट आपका ए है, तो इस ए नोट पे आप डी मेजर भी बजा सकते हैं जिसमें डी एफ शार्प और ए नोट्स हैं। आप इसमें ए माइनर भी बजा सकते हैं, उसमें ए सी और ई नोट्स हैं, क्योंकि ये जितने नोट्स हैं जी मेजर स्केल में। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तरह तरह के मेजर स्केल्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो जो ए नोट है उस पर ए माइनर बजाया गया हो, कभी कभी ए मेजर भी बजाया जाता है क्योंकि उस स्केल में सी की जगह मान लीजिए अगर सी शार्प नोट है जिसे हम तीव्र म कहते हैं तो आप ए माइनर की जगह ए मेजर बजा सकेंगे। जैसे कि मैंने एक लेसन पोस्ट किया था, उसको आप देखें, कहीं दूर जब दिन ढल जाए फिल्म आनंद से, वो गाना ई मेजर में है और उस गाने में आप देखेंगे कि एफ शार्प माइनर और एफ शार्प मेजर दोनों कॉर्ड इस्तेमाल किया गया है। वो इसलिए क्योंकि गाने में शुद्ध म और तीव्र म दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने दो लेसन्स हाल में पोस्ट किए थे मेजर स्केल्स पे और माइनर स्केल्स पे, आप इन दोनों लेसन्स को देखें। इन दोनों के आपको लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इनके ज़रिए आप देखेंगे कि बॉलीवुड के गानों में तरह तरह के स्केल्स यूज़ किए गए हैं और यूज़ किए जाते हैं। इन स्केल्स का आपको अगर नॉलेज हो जाए तो आपको गाने के कॉर्ड्स पता लगाने में आसानी होगी। तो इन स्टेप्स के ज़रिए जो है आप किसी भी गाने को कोशिश करें उसका आप टोनल सेंटर यानी कि की और उसका स्केल और उसका कॉर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जो मैंने आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझाए हैं इनको आप अप्लाई करने की कोशिश करें। आपको ये याद रहे जैसा मैंने शुरू में कहा कि गाने में बहुत वेरिएशंस होते हैं, म्यूजिशंस तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं और टोनल सेंटर जो है गाने के बीच में चेंज भी कर देते हैं। इस पर भी मैं कोशिश करूँगा एक दिन लेसन पोस्ट करूँ। तो आप कोशिश करें, गानों को सुनें, उनके साथ बजाएं और आपको किसी गाने का स्केल गाने के कॉर्ड्स पकड़ने में मुश्किल हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।